हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके बारे में मुझे आपको डिटेल में बात करनी है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में है वो क्या है? स्टेमन है। क्लियर? इवन इस पूरे इंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यहाँ पे एंड्रोसियम टर्म आती है, और एंड्रोसियम की इंडिविजुअल यूनिट को स्टेमन बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। तो स्टेमन के लिए एक टर्म यहाँ पे आती है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन को हम बोलते हैं। और ये जो स्टेमन आप देख रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वन इज नॉन एज एंथर, विच इज टर्मिनल लोबुलेटेड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एंथर। अपर लोबुलेटेड पार्ट फर्टाइल पार्ट, एंड लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। इज इट क्लियर? फिलामेंट यहाँ पे स्ट्राइल पार्ट है ये। क्लियर? और ये इसका प्रोक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड है। प्रोक्सिमल एंड इसका थैलेमस से या फिर पेटल से अटैच होता है, जबकि डिस्टल एंड लोबुलेटेड एंथर से अटैच होता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हमें ओवरऑल एंथर के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि यही फर्टाइल पार्ट है और यही आगे जब चल करके गैमेट सिंथेसाइज करेगा। क्लियर? अब यहाँ मैं आपसे बात करूँ कि स्टेमन के दो पार्ट आप देख रहे हैं, एंथर और फिलामेंट। क्लियर? अब इस पूरे यदि हम स्ट्रक्चर का थ्री डायमेंशनल व्यू स्टडी करें तो इस तरीके से ये थ्री डायमेंशनल व्यू इसका आता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो एंथर हैविंग टू लोब्स, टू लोब हैं तभी इसको बाईलोब स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, एंड ईच लोब कंटेन टू माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट इज ईच लोब कंटेन टू माइक्रोस्पोरेंजियम, हैंस देयर आर टू लोब्स सो देयर आर फोर माइक्रोस्पोरेंजियम, हैंस वी कैन से दैट एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। क्लियर? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म में जो मेनली एंथर है वो बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट है। इज इट क्लियर? तो ये थ्री डायमेंशनल व्यू आप इसका देख सकते हैं। और यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यदि इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो सर्कुलर एन आउटलाइन आपको ये नज़र आता है, चारों कॉर्नरों पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। और ये ओवरऑल एंथर का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि जनरली क्या है कि स्टार्टिंग में जो एंथर जब ग्रोइंग स्टेज में होता है तो आउटर जो वॉल है, दैट इज द एपिडर्मिस, वो प्रेजेंट होती है पहले से ही। अब एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल सेल होती हैं, और ये हाइपोडर्मल सेल क्या हैं, ये डिफ्रेंसिएशन करती हैं एंड फॉर्म ए स्पेशलाइज सेल, दैट इज कॉल्ड एज आर्किस्पोरियल सेल। क्लियर? आफ्टर दैट आर्किस्पोरियल सेल अंडरगो पेरिक्लाइनल डिवीजन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ द सेल, दैट इज आउटर पेराइटल सेल एंड इनर स्पोरोजिनस सेल। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्किस्पोरियल सेल हैं वो चारों कॉर्नर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और डिस्ट्रीब्यूट हो करके टू टाइप की वो सेल्स बनाती हैं, एक प्राइमरी पेराइटल सेल, एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब जो प्राइमरी पेराइटल सेल हैं ये आगे चल करके माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल को डेवलप करती हैं, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये एग्रीगेट होकर के स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती हैं, और स्पोरोजिनस टिश्यू बिहेव्स एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड फाइनली दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड गिव राइज टू फोर हैप्लॉयड सेल्स, एंड दिस सेल्स आर एग्रीगेटेड एंड फॉर्म ए टेट्राड, एंड दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन टेट्राड। इज इट क्लियर? क्लियर? अब यहां पर यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर की बात करें, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर को हम देखें तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि फोर यहाँ पे कॉर्नर्स हैं, और इन कॉर्नर्स में आर्किस्पोरियल सेल्स
undergo periclinal and anticlinal division and give rise to microsporangium. क्लियर? तो माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं. अब यहां पर आगे हम यदि बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम का एक इनलार्ज व्यू हम डिस्कस करें. एक माइक्रोस्पोरेंजियम का यदि हम इनलार्ज व्यू यहां पर देखें तो क्या हमें नजर आता है. मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इट इज स्टडीड इन टू हेडिंग्स, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल, माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी. इज इट क्लियर? अब यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल की बात करें तो ये आउटर वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं एपीडर्मिस. एपीडर्मिस, क्लियर? और ये एपीडर्मिस यूनिसीरिएट होती है, वन सेल लेयर थिक होती है और इसका केवल एक ही फंक्शन है कि प्रोटेक्शन में हेल्प करती है. माने इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट इज यूनिसीरिएट, दैट इज मेड अप ऑफ वन सेल थिक लेयर. क्लियर? इनर टू एपिडर्मिस देयर इज ए स्पेसिफिक लेयर कॉल्ड एज एंडोथीसियम. ये जो आप यहां पर देख रहे हैं इनर जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोथीसियम. क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम. ये एंडोथीसियम है और एंडोथीसियम ये बड़ी स्पेसिफिक एक लेयर होती है और इट इज ऑल्सो यूनिसीरिएट, वन सेल लेयर थिक ही होती है. एंड दिस लेयर हैविंग डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेल्यूलोज एंड लिग्निन. क्लियर? जो यहाँ पे मैंने आपको ब्लूइश लाइनिंग यहाँ पे दिखा रखी है ये अल्फा सेल्यूलोज और लिग्निन का डिपोजिशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है. और ये जो एंडोथीसियम है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाली होती है. अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाली क्यों होती है? क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीडियम एंड हेल्प इन द डहीसियंस ऑफ एंथर आफ्टर द मैचुरेशन. क्लियर? आफ्टर द मैच्योरिटी दिस लेयर हेल्प इन द डहीसियंस ऑफ द एंथर. और इस लेयर के अंदर आप देख रहे हैं फाइबरस थिकनिंग्स मिलती हैं और इन फाइबरस थिकनिंग को क्या बोलते हैं? फाइबरस बैंड्स इनको बोला जाता है. एंड दीज बैंड्स आर मेड अप ऑफ अल्फा सेल्यूलोज एंड लिग्निन. इनकी वजह से ही एंडोथीसियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाली होती है और एंथर के डहीसियंस में हेल्प करती है. अब इस एंडोथीसियम में कुछ प्लेस पर ज्वाइनिंग प्लेस पर फाइबरस थिकनिंग नहीं होती है और उस प्लेस को हम स्टोमियम बोलते हैं. जैसे कि ट्रांसवर्स सेक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसको स्टोमियम बोला जाता है. स्टोमियम का मतलब होता है लाइन ऑफ डहीसियंस, माने पॉइंट वेयर माइक्रोस्पोरेंजियम रप्चर्ड. क्लियर? यहां से ये रप्चर्ड होता है और स्टोमियम पर ही अल्फा सेल्यूलोज और लिग्निन का एंडोथीसियम में कोई भी डिपोजिशन नहीं होता है, इसलिए यहां से ये क्या है? रप्चर्ड हो जाता है इजिली. क्लियर? आप समझ रहे हैं ना अच्छे से? तो एंडोथीसियम के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, मतलब ये भी यूनिसीरिएट है. इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें मिडिल लेयर्स की. मिडिल लेयर में आप देखें इट इज 1-3 सेल थिक लेयर. ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर इट इज थ्री सेल लेयर थिक कवरिंग है मिडिल लेयर. और दिस लेयर डिसऑर्गेनाइज्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स. इज इट क्लियर? तो मिडिल लेयर का काम क्या है कि इट डिसऑर्गेनाइज्ड, इट रप्चर्ड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स. इज इट क्लियर? तो ये 1-3 सेल लेयर थिक होती है, 1-3 सेल लेयर थिक मिडिल लेयर होती है. एंड सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज टैपेटम. तो इसको हम टैपेटम बोलते हैं.
टेपेटम, इट इज द इनर मोस्ट, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल, एंड दिस लेयर इज ऑल्सो यूनिसीरिएट, मीन्स वन सेल लेयर थिक ही है, एंड दिस लेयर इज ए न्यूट्रिटिव लेयर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल. इज इट क्लियर? एक्चुअली दिस लेयर माने टेपेटम हैविंग मैनी न्यूक्लियाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस एंड पॉलीप्लॉयड इन नेचर. इज इट क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो टैपेटम के अंदर जो सेल्स हैं वो नर्स सेल उनको बोला जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को. और जनरली टैपेटम ही वो सेल्स होती हैं जो मिडिल लेयर को डिसऑर्गेनाइज्ड कराती हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे टेपेटम के बारे में आप समझ गए. और देखिए, एक सीधा कंसेप्ट अपने माइंड में रखिए कि कोई भी फॉर्मिंग सेल डेवलप हो रही है, प्रिकर्सर सेल डेवलप हो रही है, जिस सेल को आगे जनरेशन को जनरेट करना है उसके लिए नर्स सेल का होना भी बहुत जरूरी होता है. आप ह्यूमन में देख सकते हैं कि वहां पर जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं वो न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को. इसलिए यहाँ पर टेपेटम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. और जनरली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉयड कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही इस टाइप की है. बहुत सारी प्रोटीन्स बनानी है तो उसके लिए डीएनए का अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए. क्लियर? तो बहुत एक्टिव सेल्स ये होती हैं, और ये बिल्कुल माइक्रोस्पोरेंजियम की बिल्कुल इनर मोस्ट वॉल बनाती है. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये इनलार्ज व्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम का. क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, होल स्ट्रक्चर, ये क्या है? इनलार्ज, इनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. क्लियर? मैं यदि आपसे बात करूं कि यहाँ पे एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम को ये डिटेल में दिखा दिया गया है, मीन्स ये आउटर कवरिंग है यहाँ पे, ये क्या है? ये एपिडर्मिस है. इससे अंदर होगी एंडोथीसियम, फिर होगी मिडिल लेयर, और अंदर वाली आप यहाँ पे ये देख सकते हैं. एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ. ये यहाँ पर लास्ट में टेपेटम सेल्स होती हैं, और इसमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी है, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी के अंदर स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं, और ये सेल्स ही क्या है? फर्दर एक्ट्स एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड फाइनली दे अंडरगो मियोसिस एंड गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन टेट्राड, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड. क्लियर? ये आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप ये इन स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं. अब यहां पर एक बात आपको समझनी है कि जो एंथर है, ठीक है, तो एंथर क्या है एक्चुअली में? एंथर स्टेमन का फर्टाइल पार्ट है, और इसके अंदर टू लोब होते हैं, और टू लोब की बात करें वन एंड टू, एंड ईच लोब कंटेन टू माइक्रोस्पोरेंजियम, ईच लोब कंटेन टू माइक्रोस्पोरेंजियम. हेंस वी कैन से दैट एंथर कंटेन फोर माइक्रोस्पोरेंजियम. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो एंथर है एंजियोस्पर्म में, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में वो बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है, और टेट्रा टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, टेट्रा
स्पोरेंजिएट होता है, तो ये एंथर के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आप देख सकते हैं कि मालवेसी फैमिली के मेंबरों में जो एंथर है वो मोनोथिकस होगा और यहाँ पर बाईस्पोरेंजिएट होगा, केवल केवल मालवेसी फैमिली के मेंबरों में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो मालवेसी फैमिली के मेंबर हैं, और इन फैमिली के मेंबरों में एंथर मोनोथीकस होता है, मीन्स उसमें एक ही थीका प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब एक ही थीका है तो एक ही लोब में एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, तो दोनों के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, तभी वहां पर जो एंथर है वो बाईस्पोरेंजिएट होता है, मींस डाईस्पोरेंजिएट होता है, मींस मेड अप ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। इज इट क्लियर? तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मतलब एंथर मैच्योर होता चला जाता है, इवन ये जो एडजेसेंट माइक्रोस्पोरेंजियम है दे ऑल्सो फ्यूज। तो फाइनली मैच्योर एंथर के अंदर देर आर 2 पॉलन सैक, मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक भी बोलते हैं। पॉलन सैक माने ए बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर्ड पॉलन ग्रेन। क्लियर? तो मैच्योर एंथर के अंदर जनरली 2 पॉलन सैक प्रेजेंट होंगे, मींस ये जो मिडिल लाइनिंग है ये डिसॉल्व हो जाती है मैच्योरिटी पर, एंड फाइनली इस एंथर का डहिसेंस हो जाता है, रप्चरिंग हो जाता है मैच्योरिटी के टाइम पर। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम को देख सकते हैं, और एक बार और आप यहाँ पे थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है? हाँ, एक और कि इसके बीच में यहाँ पे आप वास्कुलर टिश्यू आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं मिडिल में, मींस ये इसका क्या है, कनेक्टिव है। क्लियर? ए कनेक्टिव है, और कनेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो दिस वन इज द व्हाट, इसको क्या बोलेंगे, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कनेक्टिव का है जिसके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। वास्कुलर टिश्यू मीन्स ये कनेक्टिव है, इसी को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। और कनेक्टिव का काम क्या है कि इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन फिलामेंट एंड एंथर। मेरी बात आपके समझ में आ रही है ना? क्लियर? तो इस तरीके का जनरल आपको डिस्क्रिप्शन इसमें लेना है। और यहाँ पे मैं आपको यदि और थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूँ, तो हम माइक्रोस्पोरेंजियम को कैसे स्टडी करेंगे, स्टोमियम क्या है, ये लाइन ऑफ डेहिसियंस, मींस इस लाइन से एंथर रप्चर्ड होता है और इस लाइन पर फाइबरस थिकनिंग्स एब्सेंट होती है, अल्फा सेल्यूलोज एंड लिग्निन का यहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो पाता है। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम दैट इज ऑल्सो नॉन एज पोलन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है कि माइक्रोस्पोर्स डेवलपिंग स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर्स डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर? और इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम स्टडी करते हैं, 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं इसको, एक माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल, एक क्या माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल, और एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी। माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी, क्लियर? तो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल के अंदर यदि मैं फर्स्ट वॉल की बात करूं, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ये फर्स्ट वॉल है,
इसके बाद सेकेंड वॉल की बात करूं तो एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। थर्ड वॉल की मैं बात करूं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और फोर्थ वॉल की बात करूं मैं, दैट इज टैपेटम, दैट इज टैपेटम। क्लियर? तो यहां ई आ जाएगा, टैपेटम, 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 वॉट एवर। क्लियर? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। क्लियर? ये माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल है। बिल्कुल यही सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर की है, ये थर्ड नंबर की है और ये फोर्थ नंबर की है। मींस इनर मोस्ट वॉल है ये माइक्रोस्पोरेंजियम की। इज इट क्लियर? और इन वॉल का काम क्या है? इन वॉल का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। और इसमें भी स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँ तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है और टैपेटम इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। क्लियर? अब यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी, ठीक है, बिल्कुल अंदर की तरफ ये यहाँ है। यदि इसको हम पूरा इसका ओवल कंप्लीट आउटलाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो यहाँ ये माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी आएगी और इस कैविटी के अंदर ही स्पोरोजीनस सेल्स डेवलप होती हैं। मींस माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी के अंदर स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट होंगी और यही क्या एग्रीगेट एज स्पोरोजीनस टिश्यू, एंड स्पोरोजीनस टिश्यू फाइनली बिहेव्स एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। व्हाट? माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज ऑल्सो नोन एज पोलन मदर सेल, पीएमसी, पोलन मदर सेल। क्लियर? पीएमसी और एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये एक ही बात है। और ये सेल क्या है? डिप्लॉयड नेचर वाली होंगी, हैविंग टू सेट ऑफ द क्रोमोजोम्स। और ये पोलन मदर सेल ही फाइनली अंडरगो मियोसिस एंड गिव राइज टू पोलन टेट्राड। इज इट क्लियर? अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, इवन जो एंथर डेवलप हुआ है तो इस एंथर को डेवलप करने में जो सबसे ज्यादा रोल है वो आर्किस्पोरियल सेल का रोल है। किसका रोल है? आर्किस्पोरियल सेल में। आगे आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और थोड़ा इनको अच्छे से आपको बताऊंगा कि आर्किस्पोरियल सेल है। और आर्किस्पोरियल सेल ये कहाँ से डेवलप हुई है? ये हाइपोडर्मल सेल्स, कुछ हाइपोडर्मल सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड गिव राइज टू आर्किस्पोरियल सेल, एंड आर्किस्पोरियल सेल फिर फर्दर पेरीक्लाइनल डिवीजन करती हैं। पेरीक्लाइनल डिवीजन का मतलब है कि कोई भी सेल है वो अपने पैरेलल ही क्या है, डिवाइड करती चली जाती है। ठीक है? अपने पैरेलल डिवाइड, डिवीजन करती चली जाती है। इससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं और पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की थिकनेस भी बढ़ती चली जाती है। इवन पेरीक्लाइनल और एंटीक्लाइनल ये दोनों जो डिवीजन है ये स्पेशली प्लांट के केस में मिलते हैं, एनिमल्स में तो बहुत रेयर ये डिवीजन होते हैं। क्लियर? एंटीक्लाइनल डिवीजन में जो पर्टिकुलर सेल लेयर है जो डिवाइड करती है उसके परपेंडिकुलरली डिवाइड करेगी एंटीक्लाइनल डिवीजन में। और ओवरऑल आर्किस्पोरियल सेल में पेरीक्लाइनल डिवीजन होता है और दो तरह की सेल बनती है, एक प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल और एक प्राइमरी पैराइटल सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल्स इनको डेवलप करती है। क्लियर? ठीक है? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। और स्पोरोजीनस सेल्स ये माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू बनाती है एग्रीगेट होकर के, एंड स्पोरोजीनस टिश्यू बिहेव्स एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑल्सो नोन एज पोलन मदर सेल। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि भाई एपिडर्मिस तो पहले से ही प्रेजेंट होती है। ये तो हम प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं तो एपिडर्मिस तो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है और ऑलवेज
प्लांट के सभी पार्ट्स को कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल के अंदर जो एपिडर्मिस है वो नॉन आर्किस्पोरियल सेल होती है, मींस इस एपिडर्मिस की जो फॉर्मेशन है वो आर्किस्पोरियल सेल से नहीं हुई है। तो ये जो एपिडर्मिस है ये यहाँ पे नॉन आर्किस्पोरियल रहेगी, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एम्स के अंदर, अब तो एम्स नहीं है, क्लियर। बाकी जो है ये आर्किस्पोरियल सेल से ही डेवलप है, क्लियर। तो एपिडर्मिस नॉन आर्किस्पोरियल है, क्लियर, मींस आर्किस्पोरियल सेल को इसको बनाने में कोई रोल नहीं है। आपके समझ में आ रही है, मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि भाई एंथर के अंदर आपने देखा होगा कि फोर लोब प्रेजेंट होते हैं, टू लोब प्रेजेंट होते हैं एंड ईच लोब हैविंग टू माइक्रोस्पोरेंजियम, क्लियर। तो फोर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, और फिर मैंने आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का एक एनलार्ज व्यू यहाँ पे बताया है कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम दो सब हेडिंग्स में स्टडी करते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल है इसमें ये मेनली चार कवरिंग होती है, क्लियर, जिसमें फर्स्ट एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस की हम बात करें तो इट इज यूनिसीरिएट, मतलब वन सेल लेयर थिक है, ठीक है। एपिडर्मिस आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, एपिडर्मिस में केवल वन सेल लेयर थिक ही है ये, और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है, नॉन आर्किस्पोरियल नेचर की होती है। इसके बाद में एंडोथीसियम की बात करें, एंडोथीसियम भी यूनिसीरिएट ही होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ही सेल लेयर से ये मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। और इसमें जनरली इसके रेडियल वॉल पे और इनर वॉल पर यहाँ अल्फा सेल्यूलोज एंड लिग्निन का डिपोजिशन आप देख रहे हैं, जो लाइनिंग मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, ये डिपोजिशन है एंडोथीसियम में, किसका, अल्फा सेल्यूलोज और लिग्निन का। इस डिपोजिशन की वजह से ही एंडोथीसियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाली होती है और एंथर के डहीसियंस में मदद करती है, इज इट क्लियर। इसके बाद मिडिल लेयर की बात करें हम, मिडिल लेयर यहाँ पे जरूर 1-3 सेल लेयर थिक वॉल होती है, मिडिल लेयर यहाँ पर 1-3 सेल लेयर थिक ये वॉल होती है, और ये जनरली डिसऑर्गेनाइज हो जाती है एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, इज इट क्लियर। इसके बाद में लास्ट सेल का मैं आपको डिस्कस करूं, टैपेटम। टैपेटम क्या है कि इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू लेयर, इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू लेयर दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं कहाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी के अंदर, क्लियर, माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी के अंदर उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ओवरऑल पोलन ग्रेन तब तक पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। इवन टैपेटम के अंदर कुछ वर्कर्स ऐसा भी मानते हैं कि इनके अंदर जब लास्ट स्टेज में बिल्कुल एकदम टैपेटम डिसऑर्गेनाइज होने वाला होता है, इवन ये लास्ट तक ये रिमेन रहता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पेरिकल सेल यहाँ लास्ट में इसमें डेवलप होती है, जिनको हम यूविस्क बॉडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूविस्क बॉडीज बोलते हैं, और ये यूविस्क बॉडीज स्पोरोपोलिनिन सिंथेसाइज करती हैं एंड स्पोरोपोलिनिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एग्जाइन विच इज द आउटर कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन, मैं आगे आपको डिस्कस कराऊंगा। और स्पोरोपोलिनिन इज दोज बायोलॉजिकल मटेरियल दैट इज रजिस्टेंट अगेंस्ट एसिड्स, एल्कलीज एंड डिफरेंट एंजाइम्स। नो एंजाइम कैन ब्रेकअप, ठीक है, अब तक इसको कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिनिन को ब्रेकअप नहीं कर पाया है, ठीक है। तभी हमें पोलन ग्रेन के इजिली फॉसिल्स मिल जाते हैं स्पोरोपोलिनिन की वजह से, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है स्पोरोपोलिनिन, क्लियर, विच इज ए पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स, विच इज ए पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। बाकी कैविटी के अंदर, अंदर इस कैविटी के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू बिहेव्स एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड फाइनली माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड गिव राइज टू फोर पोलन ग्रेन्स विच आर अरेंज्ड
इन ए टेट्राड मैनर, और ये आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, आप अच्छे से पढ़ते रहें. ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन. ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन.